श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यत्सारं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यो जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव केवलम्। जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यत् सारं ग्रंथ कोटिभिः। मैं आधा श्लोक से बता देता हूँ सारे शास्त्रों का, करोड़ करोड़ शास्त्र का सार जो है ब्रह्म सत्य। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, संसार झूठ है, सच का समान प्रतीत होता है। जीवो ब्रह्मे बग्गे बड़ा, संसार में दो है, जीवात्मा और परमात्मा। कोई भागवतकार कहते हैं आदि अनादि गोविंद सर्व कारण कारण, गोविंद ही आदि है अनादि है, वो शुरुआत भी है अंत भी है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, वो सत है, चित है, आनंद है। जन्म कर्म क्लेश विकार रहित है, और परम श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। भगवान शंकर कहते हैं राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरम सहस्रनाम तुल्यम राम नामे बरानने। रामे रामेति राम रामेति रामेति राम 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 इति बोलकर, मैं राम बोलते हैं, जाप करते हैं, रामे रमे मनोरमे, रेमो धातु रमण करना, रेमो आनंद, मैं राम नाम में आनंद लेते हैं, रति करते हैं। हे देवी सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम प्राण, हजार हजार नाम, अनगिनत नाम राम नाम में समान नहीं होते। देवी पार्वती राम नाम में समान नहीं होते, राम नाम ही सार है। भागवत को आ जाओ चतुश्लोकी, अहमेव समीपाग्र से चार श्लोक, यथाभासो यथातमो, ये सब कुछ जो है दूसरा स्कंध है। जीव ब्रह्म जगन माया, इसका सार निचोड़ है, जीव ब्रह्म जगत और माया। जीव ब्रह्म जगत, तो हमें करना है क्या? दो काम, आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा का मोक्ष और संसार का मंगल कामना करना हर समय।
अच्छा सोच रखना, इसीलिए तो साम दम विचारस्य तत्रैव साधु संगम। सम शांति, दम इंद्र को अपना काबू में रखना, गलत रास्ता से भटकने नहीं देना या गलत कार्यों में अपने इंद्र को इस्तेमाल नहीं करना। विचार, विचार करने से तन मन वाणी सबका अत्यंत शुद्धि आ जाता है, परिशुद्ध हो जाते हैं तन मन वाणी और कर्म चारों। समदम विचार और इसका साथ दुष्ट का संग नहीं करना, सदा सत्संग। सत्संग करना, सत्संग में सुनना कथा, अंतर से सुनना, लीला कथा निश्चवरम प्रकुरु से अंतर लेना, मन बुद्धि चित्त अहंकार से सुनना, फिर श्रवणस्य विभेदेन परभेदम पृथक पृथक। जिस भावना से कथा सुनोगे, सात्विक रासिक तामसिक, लगन लगाकर नहीं लगाकर, फल बेसत मिलेगा ना। अरे आत्मा श्रुतव्यंच मंतव्यंच निदिध्यासितव्यंच, प्रभु का कथा सुनो, फिर मनन करो, चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंतन करो, और निदिध्यासितव्यंच कर्म में पालन करो, आचरण उच्चारण। मन में एक प्रकार सोच, वाणी में फिर अलग, और कामों में अलग, ये नहीं होना चाहिए। मन वचन कर्म से सच्चाई अच्छाई हम करते भाई, यह तो धर्म है। प्रभु सबका मंगल करें। जीव में दया और नाम में शरण, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, ये विष्णु भक्त है उनका सेवा करो। पूजा हम नहीं कहते पूजा करो, आरती उतर ले सेवा करो, वो भी क्यों, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, तो हम तो भगवान का सेवा नहीं कर सकते, नाम जाप नहीं कर सकते, तो भगवान का भक्त का सेवा करने से भगवान हमें अच्छा फल देंगे। संत का सेवा करो, खूब सेवा करो, खिलाओ पिलाओ लत्ते कपड़े दो, भक्ति करो, संत और ब्राह्मण तो दो परंपरा है हमारी। ब्राह्मण आश्रम धर्म का रक्षक, गृहस्थ जाति धर्म का रक्षक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जैसी गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी का चारों आश्रम का रक्षक है। संत ब्राह्मण हमारे सदा पूजनीय है, गोमाता तो माता ही है, गंगा माता तो माता भी है, गायत्री माता तो माता ही है, गीता माता ये तो माता ही है, वेद ज्ञान का खजाना है, ज्ञान का भंडार है, उपनिषद वेद का सरल भाष्य है,
दर्शन हमको ज्ञान कर्म भक्ति तीनों मार्ग से लेते हैं। छठे दर्शन वेद को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, वेद का विचार करने के लिए छह ग्रंथ है, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, निर्घंट, व्याकरण या निर्घंट का दूसरा नाम ज्योतिष है, ज्योतिष व्याकरण। ज्योतिर्वेद तो उपवेद में भी जाता है, ज्योतिर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ये सब उपवेद में जाते हैं, चार उपवेद है। तो इसका श्रुति का साथ संहिता पठन कर विचार कर कर्म करो, समाज का सेवा करो, दान, जाप, हवन, ये मनुष्य को पवित्र करते हैं, इसको नहीं छोड़ना। सच्चे काम करो, अच्छे काम करो, नतीजा भी अच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाजः। आत्ममोक्षार्थं जगत हिताय च। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। पार्वती पतये हर हर महादेव।